आदाब नाज़रीन, एसवाईएस चैनल में आपका इस्तकबाल है। टीआरएस पार्टी की एमएलसी मिस कविता ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को बड़ा चैलेंज करते हुए तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे एजेंसियों से खौफ ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि उनका स्वागत करते हुए उनसे कॉपरेट करेगी। मिस कविता ने यह भी कहा कि अगर मोदी का चाहते हैं कि वो कविता को जेल भेज दें तो जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन आवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा वो आवाम के बीच रहते हुए आवाम के मसाइल को उठाते रहेंगे। और मिस कविता ने मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये भी पूछा कि वो 8 सालों में तेलंगाना की भलाई के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए क्या किया। आइए सुनते हैं आगे की तफसील मिस कविता की ज़ुबानी। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज देश की जनता से मैं एक विनती करना चाहती हूं। इस देश में मोदी जी का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के एक असहज तरीके से वहां उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहां हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ईडी वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूं मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डालो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज 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 तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितने साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारे चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसी के ऊपर, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। थैंक यू। जय तेलंगाना।